नहाते समय ये तीन काम कभी मत करना, परिवार तबाह हो जाएगा। आपको स्कूल में गुड हैबिट सिखाते समय ये भी बताया गया होगा कि रोजाना सुबह जल्दी उठकर नहाना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर नहाना सेहत के लिए अच्छा होता है। आपने ये कहावत भी सुनी होगी कि नहाने से तन और मन दोनों ही शुद्ध हो जाते हैं, इसलिए हिंदू धर्म में भी नहाने का बहुत ही बड़ा महत्व है। हर शुभ काम में शामिल होने के लिए आपका शुद्ध होना बहुत जरूरी है और शरीर की शुद्धि नहाने के बाद ही होती है, इसलिए हमारा हर रोज नहाना बहुत ही जरूरी है। लेकिन क्या आप कभी नहाने के समय की गई गलतियों पर ध्यान देते हैं? क्या आप जानते हैं कि नहाने के दौरान की गई गलतियों का आपकी और आपके परिवार की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? जी हाँ, अगर आप सुबह नहाते समय कुछ गलतियां करते हैं तो उसके भयंकर परिणाम आपको झेलने पड़ सकते हैं। आइए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आपको वो कौन सी तीन बड़ी गलतियां नहीं करनी चाहिए जिनके कारण आपके परिवार पर मुसीबत आ सकती है और आपका परिवार तबाह हो सकता है। आपके लिए ऐसी लाभदायक वीडियोस लाने वाले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कई लोगों की ऐसी आदत होती है कि वो अंडरवेयर पहनकर नहाते हैं और नहाने के बाद वो गीला अंडरवेयर बाथरूम में ही छोड़ देते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार ऐसा करना आपके सूर्य को कमजोर करता है, इसलिए नहाने के बाद गीले कपड़ों को बिल्कुल भी बाथरूम में नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि स्नान करने के तुरंत बाद ही कपड़ों को धो लेना चाहिए। औरत हो या पुरुष, इस नियम का पालन दोनों को करना चाहिए, वरना सूर्य के कमजोर होने के कारण आपके मान सम्मान में कमी आ सकती है और इसके साथ ही धन हानि और कई मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी और खास बात ये है कि नहाते समय जो बाल टूटते हैं उन्हें लोग अक्सर बाथरूम की नाली में ही छोड़ देते हैं। उन्हें उठाकर कूड़ेदान में डालने का कष्ट शायद ही कोई करता होगा, लेकिन ऐसा करना आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकता है, इसलिए इस आदत को तुरंत बदल दीजिए। अगर आप टूटे हुए बाल बाथरूम में ही छोड़ देते हैं तो इससे आर्थिक तंगी तो घर में आती ही है, साथ में शनिदेव और मंगल भी क्रोध हो जाते हैं, जिसके कारण धन हानि और आपके करियर पर नकारात्मक असर पड़ता है, इसलिए नहाने के तुरंत बाद टूटे हुए बालों को कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। तीसरी और सबसे खास गलती ये है कि लोग नहाने के बाद खुद को तो साफ और शुद्ध कर लेते हैं, लेकिन बाथरूम की साफ सफाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। बहुत से लोगों में बुरी आदत होती है कि वो खुद को साफ कर लेते हैं और पहने हुए कपड़े भी साफ कर लेते हैं, लेकिन बाथरूम में गंदा पानी जहाँ तहाँ पड़ा रहता है। कुछ लोग नहाने के बाद बाल्टी का बचा हुआ पानी भी यूं ही छोड़ देते हैं और नहाने का दूसरा सामान भी बाथरूम में इधर उधर बिखरा हुआ छोड़ देते हैं, जबकि बाल्टी का पानी गिराकर उसे उल्टा करके रखना चाहिए और नहाने का सारा सामान अपनी जगह पर होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये वास्तु के अनुसार बिल्कुल गलत है, क्योंकि इससे राहु और केतु के साथ साथ शनि ग्रह भी नाराज हो जाते हैं, जिसके कारण इन तीनों ग्रहों के बुरे प्रभाव आपके परिवार को झेलने पड़ते हैं। नहाते समय की गई ये तीनों गलतियां आपके घर में आर्थिक तंगी का कारण बनती है, साथ ही ये सब करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है, जिसके कारण आपके परिवार को आर्थिक तंगी के साथ साथ और भी बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इन आदतों को तुरंत बदल देना बहुत ही जरूरी है। वीडियो में दी गई जानकारी इंटरनेट की सहायता से अलग अलग स्रोतों से इकट्ठा की गई है, इसमें हमारी कोई भी निजी राय शामिल नहीं है। हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति, समुदाय, धर्म या संगठन की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमने इस वीडियो को शिक्षा के उद्देश्य से बनाया है और हम आशा करते हैं कि इसे इसी तरह से लिया जाएगा। वीडियो में बताई गई गलतियों को नहाने के दौरान ना दोहराएं, ताकि आपका परिवार सभी मुसीबतों से सुरक्षित रहे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस जानकारी की मदद से अपने और अपने परिवार की जिंदगियों को मुसीबतों से बचा सके। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो भी करें। धन्यवाद।